हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आ गई हूँ अपने गार्डन में। आप लोग देख सकते हैं शाम के 5 बजने वाले हैं, 10 मिनट कम है 5 बजने में। और मैं ये आप लोग को दिखा रही हूँ बीन्स के पौधे। देखिए, मैंने जो थर्माकोल के डब्बे में लगाया था बीन्स का पौधा, वही सब मैं दिखा रही हूँ। आज देखिए इसमें कितना फूल आए हुए हैं, कितने सारे फूल हैं इसमें। देखिए, आप लोग देख सकते हैं, देखिए बहुत सारे फूल हैं। उम्मीद है अच्छी, मतलब इसमें फल आएंगे। देखिए इधर से देख लीजिए, पूरा पूरा नीचे से ऊपर तक फूलों से भरा हुआ है ये पौधा। देखिए, ये बहुत दिनों तक फलता है। एक बार लगाइए और 2-3 महीना तक खाते रहिए सब्जियां। तो ये मैंने थर्माकोल के डब्बे में अपने टेरेस के ऊपर यानी छत पे लगाया है। इसका वीडियो मैंने पहले भी डाला था, आप लोग देखे होंगे, या नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इधर देखिए, मैंने जो छोटा सा पौधा बोला था कि लास्ट में ये बाद में निकल गया था, तो अभी भी ये छोटा ही है, लेकिन इसमें भी अब कली आ रही है छोटे छोटे, देख सकते हैं। और ये देखिए कितने खूबसूरत फूल है इसमें। और यहाँ पे देखिए ये छोटू सा इसका फल यानी बीन्स भी इसमें आने लगे हैं। और फूल का तो क्या कहना है, बहुत खूबसूरत है। देखिए पूरा नीचे से ऊपर तक फूलों से लदा हुआ है ये पौधा। तो आप लोग भी इसी तरह से लगाइए और खाइए ऑर्गेनिक सब्जियाँ। और मैं एक और डब्बा में लगाई हूँ, वहाँ पर भी ले चलती हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे ये जो सब्जी वाला डब्बा आता है प्लास्टिक का, वही है, देख सकते हैं, है ना, प्लास्टिक का डब्बा सब्जी वाला। इसमें जाली है लेकिन फिर भी मिट्टी नहीं गिरता है, आसानी से इसमें लगा सकते हैं। और ये डब्बा बहुत मजबूत होता है तो टूटता भी नहीं है। देखिए इसमें भी मैं बीन्स लगाई हूँ, और देखिए इसमें कितना सारा फूल है। देखिए नज़दीक से दिखाती हूँ मैं, देखिए फूल, देखिए, और छोटे छोटे इसमें बीन्स भी आ रहे हैं, देख सकते हैं। देखिए तो आप लोग भी इसी तरह से लगाइए, ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस एक डब्बा लाइए, उसमें मिट्टी और गोबर डालिए अच्छी तरह से मिक्स करके, और बस लगा दीजिए बीज को। और जब बीज निकल आए तो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी देते रहिए। अगर आप लोग गमला है, गमला में भी लगा सकते हैं, आप लोग के पास अगर गमला है तो गमला में लगाइए, या फिर कोई डब्बा में लगा दीजिए चलेगा। नहीं है तो बोरी में भी लगा सकते हैं, सीमेंट वाला बोरा आता है ना जो, उसमें भी आप लोग लगा सकते हैं, या चावल का, चावल वाला तो और अच्छा होता है, चावल के बोरी में भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आशीर्वाद आटे का जो रेपर आता है, आशीर्वाद आटा हम लोग जो लाते हैं ना, तो उसका जो रेपर होता है यानी उसका पोलोथीन, तो उसी में मैंने लगाया है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका भी मैंने वीडियो डाला है पहले। और देखिए इसमें भी कितने सारे फूल हैं, देखिए, और इसमें भी देखिए बीन्स आ रहे हैं, है ना, बीन्स नज़दीक से देखिए, ढेर सारे बीन्स हैं छोटे छोटे, और फूल भी हैं, कितने खूबसूरत हुए हैं। देखिए इतना छोटा सा है ये पॉलीथीन, 5 किलो का जो आता है आशीर्वाद आटे का, वही है। तो सोचिए 5 किलो वाला में इतना सुंदर जब हो सकता है, तो और आप लोग अगर चावल के बोरी में लगाते हैं, या फिर बड़ा सा गमला में लगाएंगे, या फिर क्यारियाँ बना लेंगे अगर छत के ऊपर, उसमें अगर लगाएंगे तो और अच्छा हो सकता है, और खूबसूरत हो सकता है, और भी मतलब ज़्यादा सब्जी हो सकता है इसमें। तो इसी तरह से आप लोग भी लगाइए, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। कोई मेहनत नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, बस एक सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं है। और आप लोग फिर भी कंजूसी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरी और भी अच्छी अच्छी वीडियो जो भी मैं लेके आऊँगी, जो भी मेरे पास जानकारियाँ हैं मैं लेके आऊँगी और आप लोग को बताऊँगी। आप लोग देखिए और
अपना भी गार्डन बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।